यूपी में निकाय चुनाव में पहले चरण का प्रचार मंगलवार शाम थम चुका है। इससे पहले सोमवार को मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखे। इस नगर पालिका चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क है। इसकी क्रमबद्ध मुरादाबाद में फ्लैग मार्च निकाला गया। 4 तारीख को मतदान है नगर निकाय इलेक्शन के संबंध में। आज ये रूट मार्च एक शहर में किया गया था, जिसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज बीएसएफ के जवान भी थे, पीएसी के जवान भी थे, और शहर के सभी अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी। और उद्देश्य था इस रूट मार्च का कि लोगों के अंदर निर्भीक होकर वो अपना इलेक्शन में मतदान कर सकें, और जो खुरापाती तत्व हैं और उनको हम लोग सख्ती से निपटें, इसके लिए तैयारी है हमारी। बहुत सभी को ये मैसेज दिया गया है कि कोई किसी प्रकार से भी यदि इलेक्शन में खुरापात करेगा, शांतिपूर्ण मतदान में किसी प्रकार से भी, उसे बहुत ही सख्ती से निपटा जाएगा। किस तरीके से इसमें हमारे साथ हमारी टीम भी थी, लगातार अनाउंस भी किया गया था, और इससे पूर्व में भी हम लोग कार्रवाई करते रहे हैं। और जो परसों इलेक्शन मतदान है उसके लिए पूरी तरह से हमारा फोर्स, हमारी पुलिस मुस्तैद है। किसी प्रकार से किसी भी खुरापात युक्त को कोई भी गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी, इसके लिए पूरी तैयारी की गई। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए उल्लंघन एवं वोटरों को लुभाने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव के साथ सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक और सकुशल संपन्न करने की जिम्मेदारी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर है।